सितंबर 2018 से भारत में तीन तलाक कानून लागू हुआ। इसके तहत कोई भी व्यक्ति तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकते, लेकिन अभी भी हरियाणा से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां तीन तलाक का हवाला देकर पत्नी को घर से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसा मामला अगस्त 2022 में सहारनपुर थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हुआ था। महिला ने पुलिस को शिकायत दी और मामला अप्रैल में मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट की धारा 3 व 4, 354, 406 व 498 के तहत दर्ज किया गया। मूल रूप से महिला हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली थी। अब एक हैरान कर देने वाला मामला इसी में सामने आया है, जहां पति ने पहले तो मामले में समझौता करवाया, फिर दोबारा निकाह करने का हवाला देते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, जब पति उसे अपने घर ले गया तो उसे थोड़ी देर आना कहा और रात को महिला के देवर ने हलाला के नाम पर उसका दुष्कर्म किया। जब इस बारे में महिला ने अपनी सास को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हमारे में तो यही रिवाज है, कहकर बात को अनदेखा कर दिया। महिला का आरोप है कि सहारनपुर थाने में भी केस दर्ज नहीं किया गया। अब महिला थकार कर यमुनानगर आई, जहां पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर मामले को सहारनपुर पुलिस को रेफर कर दिया है। यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र का कहना है कि अगर सहारनपुर पुलिस मामले को स्वीकार नहीं करती तो वो ही आगे इसकी जांच लागू करेंगे। देखो, हमारे पास कंप्लेंट आई थी कल, जिस पे हमने एक FIR दर्ज करी है, 0 FIR, और सहारनपुर मंडी थाने के अंदर वो एरिया आता है। यहाँ की लड़की वहाँ शादीशुदा थी, उसने पहले एक दहेज का पर्चा दर्ज करवाया था, दहेज और मुस्लिम एक्ट के तहत, जिसमें उनका कंप्रोमाइज हो गया था और वो लड़की को ले गए थे। वहाँ जाके उसके साथ हलाला के तहत किसी अन्य व्यक्ति से गलत काम किया और फिर उसको रखा, और बाद में उस लड़की को फिर निकाल दिया वहाँ से, और उसने हमें कंप्लेंट दी थी, जिस पर हमने 0 FIR दर्ज करके सहारनपुर भेजी है मंडी थाने में। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो सर, किस तरह की स्टोरी थी इस लड़के की, या उन्हें परिवार से बात करी हो या कहीं कुछ, क्या बात आई? इनका आपस में कंप्रोमाइज हुआ था देश के मामले में, उसी बिना फिर वो लेके गए थे। हमारे यहाँ पहले से देश का पर्चा दर्ज था, उसमें कंप्रोमाइज किया था इन्होंने, और कंप्रोमाइज के बाद घर बसाने के लिए लेके गए थे, जो बाद में वहाँ सहारनपुर जाके इसके साथ हलाला के तहत गलत काम हुआ और जो बाद में उसको वहाँ से निकाल दिया घर से, और निकालने के बाद इसने भी जनरल कंप्लेंट दी थी। किस किस के खिलाफ हुआ सर? 4-5 लोगों के खिलाफ दिया है, मेन आदमी तो जो है उसके खिलाफ है, बाकी और भी हैं उसके जो साथी हैं, जो इसका पहले वाला पति था उसके खिलाफ भी है और दूसरे भी हैं। तो सर, किस क्या धारा लगाई? धारा तो 376 ही है अभी तक, तो 376 है, 323 धमकाने की, मारने की, वो सारी है। कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी तो बच्चे हैं इसके पास, और हो गए 7-8 साल शादी को। तो तलाक वाला तो अभी नहीं है, अभी तलाक वाली बात नहीं आई थी, दहेज का पर्चा दर्ज हुआ था, और आगे देखते हैं जैसे भी होगा, अनुसंधान नई बातें आएंगी तो उसमें अनुसंधान किया जाएगा। आरोप है कि पति अकबर और देवर मुन्ना ने धर्म का हवाला देते हुए महिला के साथ ये कांड किया है। अब देखना ये होगा कि क्या सहारनपुर पुलिस मामले में अपनी स्वीकृति देती है या नहीं, या फिर यमुनानगर पुलिस ही जांच को आगे बढ़ाती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।